अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बम बम भोले, आज यही जयकारा पूरा देश लगा रहा है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। इसी तरह मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। हालांकि शिवरात्रि का मुख्य पर्व साल में दो बार व्यापक रूप से मनाया जाता है। फागुन के महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन शिवालयों में शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाकर भक्त शिव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। बता दें, इस शिवरात्रि में शिव भक्तों को खास संयोग में अभिषेक का अवसर मिला है। 117 साल बाद इस बार शिवरात्रि पर शनि अपनी स्वयं की राशि में है, वहीं मकर और शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये योग 25 फरवरी 1903 में बना था। तो चलिए आपको गेझा गांव के गोरखनाथ मंदिर में ले चलते हैं, जहां शिव मंदिर में शिव परिवार मूर्तियों की स्थापना की गई, साथ ही गांव में मूर्तियों को झांकी के साथ घुमाया गया। ये तो बात की हमने गोरखनाथ मंदिर की, अब आपको लेकर चलते हैं हम मेरठ के मशहूर ओगड़नाथ मंदिर में, जो काली पलटन के नाम से भी विख्यात है। आइए आपके साथ हम भी दर्शन करते हैं असीम मान्यता वाले इस भव्य मंदिर की। इस मंदिर को ईश्वर भक्ति के अलावा देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। ओगड़नाथ मंदिर में तीन मुख्य दरबार हैं। संगमरमर से बना भोलेनाथ का दरबार, राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्तियां और दुर्गा माँ का सच्चा दरबार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ओगड़नाथ मंदिर में आज सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं इतनी तादाद में लोग यहाँ पूजा करने आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सादे वस्त्रों में और यूनिफॉर्म में फोर्स लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे, यहाँ की जो समिति है उसके द्वारा भी काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और प्राइवेट स्तर पर भी लोगों का सहयोग लेकर कैमरे लगे हुए हैं, जिनका कंट्रोल यूनिट दो स्थानों पर हैं, एक मंदिर परिसर में है और एक मंदिर परिसर के बाहर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर PAC भी है, सिविल फोर्स भी है, बाहर से भी अधिकारी लगाए गए हैं और सादे में कई जगहों पर फोर्स लगा हुआ है, जिससे कोई अप्रिय वारदात ना हो। सुबह 4 बजे से सुचारू रूप से भोलेनाथ का दर्शन भक्तों के द्वारा किया जा रहा है और हमारी और जो समिति है सबका ये प्रयास है कि सभी लोग बेहतर तरीके से, सुकून के साथ और पूरा सुरक्षित तरीके से भोलेनाथ का दर्शन करें और आशीर्वाद लें और यहाँ से प्रसन्न मन से जाएँ। सर, क्या बाहर से भी फोर्स मिलेगी? हाँ, बाहर से भी फोर्स आया, बुलंदशहर से आया है और हमारे साथ हमें यहाँ पर SP साहब हैं, ये भी बुलंदशहर में पोस्ट हैं और काफ़ी फोर्स बाहर से भी आया है। आज फागुन मास की शिवरात्रि है, फागुन मास त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन है सायंकाल 5 बजे से। इसमें जो है आनंद और सरवार सिद्धि योग का मिलन है। इसमें आने से जो है हमारे देश की संप्रभुता बढ़ेगी और सभी प्राणियों का कल्याण होगा, ग्रह राशियों के नक्षत्र ठीक होंगे जो गड़बड़ चल रहे हैं और बाबा अखंडनाथ जो हैं वो सबकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, जो उनका जलाभिषेक करेंगे, जागरण आदि करेंगे। मंदिर में क्या विशेषता है? आज जो है यहाँ का विशेष मेला है, जो शंभु सिंह शिवलिंग है बाबा और सन 1857 की क्रांति का उद्गम स्थल भी है, इसकी वजह से जो है यहाँ का विशेष महत्व है भक्तों में और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भोलेनाथ यहाँ विद्यमान हैं। आप सभी को फर्स्ट बाइट TV की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।